रोटेशनल मोशन के अंदर क्या करना है, नाम से ही पता लग रहा है कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स का मतलब बॉडी रोटेशन में होगी, रोटेट करेगी और उसकी मोशन को स्टडी करना है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने ऑलरेडी ये चैप्टर किया हुआ है सर्कुलर मोशन, तो फिर क्या फर्क है सर्कुलर का और क्या फर्क है रोटेशनल में, क्योंकि सर्कुलर के अंदर भी बॉडी क्या करती है, सर्कल में घूमती है। रोटेशन में और सर्कल में क्या फर्क हुआ? रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में पहला फर्क जो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में बॉडी जब घूमती थी, चाहे वो ट्रक घूमे, प्लेन घूमे, कार घूमे, ट्रेन घूमे, पॉइंट मास लिया जाता था। आपने कभी भी शेप पे काम किया ही नहीं, लेकिन रियलिटी में शेप मैटर करती है। तो रोटेशनल मोशन के अंदर जब कोई बॉडी रोटेट करेगी तो शेप मैटर करेगी। रिंग घूम रही है, डिस्क घूम रही है, स्फेयर घूम रहा है या सिलेंडर घूम रहा है, क्या बॉडी घूम रही है, आपके आंसर शेप से चेंज होंगे। तो यहां पर मेन काम क्या होने वाला है, शेप के ऊपर होने वाला है। चलो वो बात की बात है, चैप्टर जो स्टार्ट है उसकी स्टार्टिंग का जो पॉइंट है ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हमने सर्कुलर स्टार्ट किया था वैसे ही रोटेशनल, दो टाइप की मोशन है जो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, एक लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन और एक एंगुलर मोशन घूमने की मोशन। अगर आप बात करते हो लीनियर मोशन में, तो लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स, और एंगुलर मोशन में घूमने की मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। तो जो काम इसमें एक्स करता है वो काम इसमें थीटा करता है। दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी की वैल्यू क्या होती है, डीएक्स बाय डीटी। उसी तरीके से एंगुलर मोशन में वी की जगह क्या टर्म यूज करते हैं, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डीटी। ठीक, तो जो काम इसमें वी करता है वो काम इसमें ओमेगा करेगा। जैसे एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती थी, डीवी बाय डीटी, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होती है, डी ओमेगा बाय डीटी। ठीक है, सेम है, आपको याद होगा सर्कुलर की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी पेज से हुई थी। टाइप ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, एस इज इक्वल टू वी टी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सिस्टम में एक्सलेशन है, तो कोई भी तीन इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं जिसमें एक्सलेशन आती हो। उसी तरीके से टाइप ऑफ मोशन अगर घूमने की बात करते हैं, दो किस्म की है, या तो बॉडी कांस्टेंट ओमेगा के साथ घूम रही है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ओमेगा कांस्टेंट है, या ओमेगा चेंज हो रहा है। जब ओमेगा चेंज हो रहा है तो उसमें अल्फा जनरेट हो जाएगा, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एस इज इक्वल टू वी टी की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ऐसी वी इज यू प्लस ए टी की जगह ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू अल्फा थीटा, और ऐसी थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। तो रोटेशनल मोशन के अंदर हम एक्चुअल में करेंगे क्या, एंड में आप सोच रहे हैं कि यार फर्क तो है नहीं ज्यादा, वही काम सर्कुलर है वही काम रोटेशनल, फर्क है। इस चैप्टर में हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, एक स्फेयर पड़ा है या एक टायर है, उसको रोल करवाना है, बस इतना काम करना है हमने पूरे यूनिट में। बस आपको कि बस यही कर लो, टायर पकड़ो, रोल, फोर्स लगाओ, रोल हो गया। ऐसा नहीं रोल होगा ना, आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि रोलिंग बॉडी की शेप क्या होगी, उसको स्फेयर बनाएं, गाड़ी का टायर डिस्क टाइप लें, सिलेंडर लगाएं, स्फेयर लगाएं, क्या लगाएं जिससे कि वो तेज रोल करे। ऑब्वियसली कम फोर्स में आप चाहते हैं कि वो तेज तेज भागे, तेज रोल करे, तो कहीं ना कहीं शेप मैटर करती है। तो जब ऑब्वियसली जिसने टायर बनाया होगा, क्या उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया होगा, कई तरीके के टायर बने होंगे। सबसे पहले तो बहुत पहले शायद स्फेरी बना दिया हो लोगों ने, गोल होना चाहिए जी किसी शेप का, फिर हो सकता है उसकी कटिंग की हो, तेज भागा हो डिस्क की तरह और तेज भागा हो, फिर अंदर रिम लगता है, रिम के आगे रबर के टायर लगते हैं और एडवांसमेंट है, तो कहीं ना कहीं शेप मैटर कर रही है इस पूरी स्टोरी में। तो जब हम शेप की बात करते हैं और कोई बॉडी अगर रोल करती है तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, फोर्स की, फिर उसके बाद किसकी नॉलेज होनी चाहिए, शेप की, फिर किसकी नॉलेज होनी चाहिए, जब कोई बॉडी घूमती है तो वो टॉर्क जनरेट करती है, टॉर्क की।
तो बहुत सारी चीजें हमें जब स्टडी करनी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तब जाके एक बॉडी को रोल करवा पाएंगे, तो बस ये चैप्टर इसी में डील करते हैं। तो यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है टॉर्क।